तो दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है आने वाले कल, ठीक है। तो अगर हम पीछे बात करें कि हमने क्या बताया था आज के लिए, वोलेटाइल टू पॉजिटिव मार्केट खुला, दोनों साइड रहा है और थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, ठीक है। तो अभी आने वाले कल क्या हो सकता है, वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पर जब मार्केट बंद हो रहा था तो मैंने डाल दिया था कि क्या है, ठीक है, पर फिर भी बात करते हैं। 2 मिनट छोटा वीडियो होगा। देखो ये बताया था हमने पिछले कल के वोलेटाइल टू पॉजिटिव, वो कहानी क्लोज हो गई, क्यों मार्केट बंद हो गया, फ्लैट टाइप से बंद हुआ, ठीक है। तो अभी आने वाले कल का मतलब मंगलवार को क्या रह सकता है, यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी थकान जैसी महसूस कर रहा है और ग्रह संयोग भी ऐसा बना हुआ है, वो कल पता लगेगा, ठीक है। तो कल के लिए तो बता दिया वोलेटाइल। अभी आपने दो चीज देखना है ऊपर की तरफ, करीब करीब 42,320 के करीब एक जगह देखो और एक 18,400 पे, ये दो रेजिस्टेंस हैं। थोड़ा सा मार्केट ने यात्रा भी की है तो थकान है यहाँ पे, और हमारा ग्रह संयोग भी ऐसा ही बनना है। कारण उसका क्या है, क्योंकि कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जो विपरीत राजयोग बनना था वो भी खत्म हो गया है। शुक्र अपनी राशि में था, ठीक है, सूर्य नीच राशि में था तो वो नीच भंग राजयोग बनना था, वो योग भी समाप्त हो गया, क्योंकि आपके बुध शुक्र आगे चले गए, ठीक है, वृश्चिक राशि में। इसके बाद में आपका सूर्य भी जाने वाला है एक दो दिन में आगे उनके साथ ही, उधर अपोजिट में मंगल आएगा। इसके बाद मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन योग बनेगा, ये बहुत अच्छा योग है, बट इसमें क्या हो रहा है, जो शुक्र है वो अस्त है और मंगल क्या है, बकरी है, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी इतने से भी मतलब हमारा काम चल जाएगा मार्केट का, लेकिन थोड़ा सा मार्केट क्या है, थोड़ा डामाडोल जरूर रहेगा यहाँ, उतने बड़े मूव ना दे, पर फिर भी अभी आप देखो बुध शुक्र, बुध भी अस्त है अभी, अभी अस्त चलेगा थोड़े दिन शायद, और अभी है बुध का अस्त भी और शुक्र का भी चलेगा। उधर बृहस्पति का जो क्या है बकरी था, वो शायद 24 को समाप्त हो रहा है, 24 और 23, वो मन ढूंढना के इतने को बोल दिया, इतने को नहीं, वो उसी डेट में है ना। अच्छा वो एक हो गया, वहाँ से क्या है, बृहस्पति की नौमी दृष्टि इन पर पड़ेगी ग्रहों के ऊपर, ठीक, तो ये बुध के लिए तो अच्छी होगी, ठीक। तो ये कुल मिला के जब आप देखोगे ना रिजल्टेंट जो हम निकालते हैं मंथली या ईयरली बेसिस का, वो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मार्केट क्या है हिलेगा, तो वहाँ डरना नहीं है, जो डिप आएंगे इस वीक के लिए हम सोचेंगे एक दो दिन, थोड़ा सा लास्ट वाले दिन वीक के क्या है थोड़े से हो सकते हैं गड़बड़, तो वो तो आपको पता लग जाती है एडवांस में कि कल क्या होगा, उससे भी पहले मार्केट बंद होने से पहले मैं आपको बता देता, ठीक है, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये कहानी आपको मैंने 2 लेवल बताए, इसके ऊपर आप बात कर लेना। अच्छा अभी ये कहानी क्लोज हो गई, अगर हम डाटाबेस से देखें तो कोई डाटा मार्केट के खराब नहीं है किसी भी दृष्टि से, ठीक है, कि ऐसा है वैसा है। मैं अभी 1 मिनट और लूँगा आपकी। देखो हम अभी कहाँ खड़े हैं, 18,400, मतलब बैंक निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई निकल गया, ठीक है भाई निकल गया, निफ्टी भी तकरीबन ऑल टाइम हाई के नियर है ना, 16,800 के करीब पे आपको बोला था, 17,800, 16,800 उधर, 15,800 पे बोला था,
वहाँ से हम कितने, आपको दो लेवल से करीब करीब 1 से 1.5 हज़ार, 1 से 2.5 हज़ार पॉइंट ऊपर आ गए। अब ये जो चीज़ आपको अगर हमने बताई थी, मतलब अगर मैंने बोला था आपने आज यस लिखना है, कल से कुछ एक चीज चेंज करेंगे तो बता देंगे, तो आपने क्या लिखना है, यस लिखना है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यस लिखना है, इससे कि आपको और हमें हमें दोनों में सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, या हम जो चीज़ बोल रहे हैं आप वो चीज़ सुन ही नहीं रहे। अभी भी आप देखोगे ना यस तो 20-25 आदमी लिखेंगे, बस 50 लिख देंगे, बाकी को कोई मतलब नहीं। देखो भाई एक चीज़ बोल रहा, अगर हम आपको रेस्पॉन्स दे रहे हैं या हम थोड़ा सा आपके लिए भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्स देना है, ठीक है। और आप जैसे एक आदमी मृग घूमा उसमें जंगल में और खाया पिया सो गया, वो वाले उससे पैसा भी नहीं कमता, आप कितने एक्टिव हो ये चीज़ आपको ज़रूर सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, इतनी सी बात लिखनी है कि यस लिखना है। यस क्या लिखना है, अगर हमने ये दोनों लेवल बताए थे, और तीसरा इसमें और जोड़ रहा हूँ कि आपके कितने ज्योतिषी जिनके 4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं उन्होंने आपको क्या बताया था, आप हमारा ईयरली देख लो, सन 26 तक वाला देख लो, रिसेशन आ रहा था आपका, कुछ आदमी मेरे को बहुत वो लिख के करते थे, मैं भाई नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इतने एग्रेसिव थे वो रिसेशन के लिए, पता नहीं क्या करने वाले थे। लेकिन जो भी हो, इस बार किसी ने बड़ी पोजीशन नहीं पुटकी बनाई, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, ठीक है। बाकी तो दुनिया है, मैं कुछ बोलूँगा दूसरे लोग कुछ बोलेंगे, सिर्फ इतना ही है कि आप सही रास्ते पे हो, जो हमें फॉलो करते हैं या थोड़ा बहुत हमारे को मानते हैं वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, बस हमें खुशी है, ठीक है। तो आपको दो जो लेवल बनाए वहाँ जाता है उनको क्रॉस करता है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उनकी प्रॉफिट बुक करो और आराम करो मेरे हिसाब से। देखो अभी ऐसा है, ये राशि वाला बताना था मेरे को, तो कल मेष राशि के 4 पॉइंट हैं और वृषभ के 5, मिथुन के 3, कर्क के 3, सिंह के 3.5, कन्या के 4.5 और तुला के 2.5, वृश्चिक के 2, धनु के 5, मकर के 3.5, कुंभ के 2 और मीन के 3.5। अब इसमें जो कमज़ोर राशि हैं वृश्चिक और कुंभ राशि है जिनके 2-2 पॉइंट हैं, बाकी राशि तकरीबन ठीक है, जैसे तुला भी कम है उसके भी 2.5 हैं पर 50% है, ठीक है। तो ये आपका राशि फल हो गया, ठीक। अभी आप चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब, ये आपकी स्वेच्छा है, कोई आपके ऊपर मैं भी कहते कहते थक गया तो आपको कुछ नहीं बोलूँगा कि भई आप करो या नहीं करो, बंद ही कर देंगे, हमें अपने 5 मिनट का वीडियो बनाना है हम बना दिया करेंगे, ना आपका टेंशन ना हमारा टेंशन है, क्या। तो मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कहीं बाहर था तो इसलिए मैं वो नहीं, बोर्ड वाला आप लोग लिखोगे कि बोर्ड वाला वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, तो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, कष्ट नहीं होना चाहिए, हर इंसान को इस ज़िंदगी में अपनी स्वेच्छा से और खुशी खुशी जीना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ईश्वर आपको खूब प्रॉफिट दे मार्केट से, ऐसी हमारी कामना के साथ बंद करते हैं।